सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24 एक्सिविन को और दबाए इस बेल आइकन को। कुछ समय पहले सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी। दर्शकों ने फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं है किया, लेकिन फिर भी रेस 3 ने 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा को लेकर चर्चा में आ गए हैं। खबर है कि सलमान खान बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। फिलहाल सलमान अपने चीजा आयुष शर्मा के करियर पर फोकस कर रहे हैं। आयुष शर्मा की फिल्म लौरात्र रिलीज होने को तैयार है। अब सलमान टाइगर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। सलमान ने टाइगर की डेब्यू फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि जब टाइगर का जन्म हुआ था तब सलमान ने शेरा से वादा किया था कि वो उसे एक एक्टर बनाएंगे। सोर्स के मुताबिक जब टाइगर पैदा हुए थे तो सलमान ने उन्हें गोद में उठाया था और कहा था, ये हीरो बनेगा, मैं बनाऊंगा। उस समय शेरा को लगा था कि भाई ने खुशी से ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइगर बड़े होते गए सलमान ने लगातार उन्हें डेब्यू की याद दिलाई। अब वो समय आ गया है जब टाइगर बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार है। सलमान ने शेरा को एक बार फिर वादा किया है कि आयुष के बाद वो टाइगर को ही लॉन्च करेंगे। सलमान ने जिस तरह आयुष के लिए प्लानिंग की, वैसे ही टाइगर के लिए भी कर रहे हैं। टुडे न्यूज 24/7 की रिपोर्ट।